हेलो स्टूडेंट्स इन अवर लास्ट क्लास वी रीड द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, दे आर ब्राउनी मूवमेंट, टिंडल इफेक्ट एंड चार्ज ऑन कोलाइड ओके ना द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस को समझने के लिए हम पढ़ कर आएँ चार्ज ऑन कोलाइड ओके वी नो द कोलाइडल सॉल्यूशन हैज़ पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ओके इफ़ कोलाइडल सोल्यूशन इज टेकन इन अ यू शेप्ड ग्लास ट्यूब यू शेप्ड ग्लास ट्यूब में हमने क्या किया एक कोलाइडल सोल्यूशन लिया और इसमें दो इलेक्ट्रोड्स लगा दिए इफ़ सॉल पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज दे मूव टूवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड अंडर द इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस ओके अगर सॉल पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे इफ दे आर नेगेटिवली चार्ज दे मूव टूवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ओके यहाँ पर डायग्राम में देखो नेगेटिवली चार्ज सॉल पार्टिकल्स हैं जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहे हैं दिस मूवमेंट ऑफ सॉल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस ओके दिस मूवमेंट इज आइदर टूवर्ड्स एनोड और टूवर्ड्स कैथोड ओके अब इलेक्ट्रोफोरसिस तो क्या हुआ मूवमेंट ऑफ सॉल पार्टिकल्स ओके इसकी ज़रूरत क्या होती है बाई दिस प्रोसेस वी कैन आइडेंटिफाई द चार्ज ऑन सॉल पार्टिकल सॉल पार्टिकल पर कौन सा चार्ज है ये हम पता कर सकते हैं सेकेंड वी कैन सेपरेट द सल पार्टिकल्स एंड मीडियम मीडियम और सॉल को हम अलग अलग कर सकते हैं किससे इलेक्ट्रोफोरेसिस की मेथड से ये फोर्थ प्रॉपर्टी हुई इलेक्ट्रोफोरेसिस नेक्स्ट इज इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस अब इलेक्ट्रोफोरेसिस और इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है इन इलेक्ट्रोफोरेसिस सॉल पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स एनी इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस मीडियम पार्टिकल्स फेज और मीडियम दो कंपोनेंट हैं हमारे कोलाइडल सोल्यूशन में मीडियम मॉलिक्यूल्स मूव टुवर्ड्स एनी इलेक्ट्रोड थ्रू सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूवमेंट किसका हो रहा है मीडियम पार्टिकल्स का इलेक्ट्रिक फील्ड की इन्फ्लुएंस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू तो प्रोसेस को हम बोलेंगे इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस ओके okay. ऑस्मोसिस में मीडियम पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इलेक्ट्रोफोरेसिस में सॉल पार्टिकल्स मूव कर रहे थे विदाउट एनी मेम्ब्रेन। ओके नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं हम सिक्स इज कोगुलेशन ओके कोगुलेशन इज़ ऑल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन और फ्लोक्यूलेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ओके okay. हम पेप्टाइजेशन पढ़ कर आए थे उसके जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी है इन दिस प्रोसेस द प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल इज़ कॉल्ड कोगुलेशन बाय एन इलेक्ट्रोलाइट हम क्या कर रहे हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में एक कोलाइडल सॉल्यूशन लिया इलेक्ट्रोलाइट मिलाया क्या होगा कोलाइडल सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट में चेंज हो जाएगा ओके द प्रोसेस इज पॉग्युलेशन और प्रेसिपिटेशन तो इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है सॉल सॉल्यूशन में ब्रेक होता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में और ये आयंस अपोजिटली चार्ज्ड सॉल पार्टिकल को न्यूट्रलाइज कर देते हैं इसलिए वो प्रेसिपिटेट में चेंज हो जाता है ओके अगर सॉल पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो इलेक्ट्रोलाइट के नेगेटिव आयन से रिएक्शन करेगा दिस आयन इज नोन एज कोगुलेटिंग आयन और फ्लोक्यूलेटिंग आयन और एक्टिव आयन जो सॉल पार्टिकल को न्यूट्रलाइज़ कर रहा है इलेक्ट्रोलाइट का पॉजिटिव आयन भी हो सकता है नेगेटिव आयन भी दैट इज नॉन एज एक्टिव आयन ओके इट मीन्स कोगुलेशन क्या है द कन्वर्शन ऑफ कोलाइडल सॉल इंटू प्रेसिपिटेट बाय द एडिशन ऑफ अलेक्ट्रोलाइट दिस इलेक्ट्रोलाइट इज नॉन एज फ्लॉक्यूलेटिंग इलेक्ट्रोलाइट, ओके और फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट कोग्युलेटिंग एजेंट ठीक है नेक्स्ट हम आते हैं कि कोगुलेशन के लिए अदर मेथड्स कौन कौन सी ज़रूरी नहीं है कि हम इलेक्ट्रोलाइट ही ऐड करें अदर मेथड्स हैं बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस अब भी ऊपर पढ़ कर इलेक्ट्रोफोरेसिस में सॉल और मीडियम पार्टिकल्स सेपरेट हो जाते हैं सॉल पार्टिकल्स डिपॉजिट हो जाएंगे इलेक्ट्रोड पर देन सेकंड इज बाय मिक्सिंग ऑफ टू अपोजिटली चार्ज सॉल्स एक पॉजिटिव चार चार्ज सॉल है दूसरा नेगेटिवली चार्ज सॉल है अगर हम इन दोनों को मिला दें तो पार्टिकल्स न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और प्रेसिपिटेट में चेंज हो जाएंगे नेक्स्ट इज बाय बॉइलिंग ओके नेक्स्ट बाय प्रोलोंग्ड डायलिसिस लंबे समय तक डायलिसिस करें तो भी इलेक्ट्रोलाइट सेपरेट हो जाएगा और सॉल्व पार्टिकल सेपरेट हो जाएंगे देन बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ये तो हमने देख ही लिया भी ओके okay, ये हुआ कॉगुलेशन इसी से रिलेटेड है हार्डीशुल्स लॉ रेड हेडिंग डाली हुई है इम्पॉर्टेंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता ही है ओके okay, तो ये लॉ क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ग्रेटर इज़ द वैलेंसी ऑफ द कोग्युलेटिंग आयन ग्रेटर इज़ इट्स कोग्युलेटिंग पावर कोग्युलेटिंग आयन जो है उसकी वैलेंसी जितनी ज़्यादा होगी उस पर चार्ज जितना ज़्यादा होगा उसकी काग्यूलेशन पावर भी उतनी ही ज़्यादा होगी फॉर एग्ज़ाम्पल यदि नेगेटिवली चार्ज सॉल है तो पॉजिटिव आयन कोग्युलेटिंग आयन होगा और इसका हमने ऑर्डर लिखा हुआ है एल्यूमिनियम आयन कितनी वैलेंसी है ट्राई पॉजिटिव आयन है कोग्युलेटिंग पावर हाइएस्ट है देन बेरियम आयन इसकी कोग्युलेटिंग पावर एल्यूमिनियम आयन से कम होगी देन सोडियम आयन इसकी और कम होगी इफ़ अगर पॉजिटिवली चार्ज सॉल है तो नेगेटिव आयन्स कैसे होंगे एक्टिव आयन ओके और नेगेटिव आयन में फेरोसाइनाइड आयन एफिसियन सिक्स फर्स्ट जो लिखा है इस पर चार्ज हाईएस्ट है तो इसकी कोगुलेशन पावर हाईएस्ट होगी देन, फॉस्फेट आयन सल्फेट आयन एंड लास्ट इज क्लोराइड आयन ओके okay? तो चार्ज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोग्युलेटिंग पावर ऑफ एक्टिव आयन इट इज़ नोन एज शुल्स लॉ ओके तो कोगुलेशन क्या है एक्टिव आयन और कोगुलेटिंग आयन क्या है और उसकी कोगुलेशन पावर देखी हमने के अकॉर्डिंग टू हार्डिशुल्स लॉ जो एक्टिव आयन की कोग्युलेटिंग पावर को एक्सप्लेन कर रहा है ओके okay? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आगे होगा नहीं आए तो फिर से रिपीट करके वीडियो को बार बार देखना है ओके नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड यहाँ पर मैं पहले रिएक्शन पर फोकस कर रही हूँ हमको पता है लास्ट में देखो लायोफोबिक सॉल लायोफोबिक सॉल में इलेक्ट्रोलाइट ऐड करें तो ये प्रेसिपिटेट में चेंज हो जाता है अब भी कोगुलेट हो जाता है ओके ये एक जनरल मेथड है देन अगर हम लायोफोबिक सॉल में कुछ लायोफिलिक सॉल मिला दें और फिर इलेक्ट्रोलाइट ऐड करें तो प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होंगे सेकेंड रिएक्शन ओके सॉल का प्रेसिपिटेशन रुक गया सॉल मिलाने पर तो सॉल इज नोन एज प्रोटेक्टिव कोलाइड यहाँ पर सॉल को हम क्या कहेंगे प्रोटेक्टिव कोलाइड जो प्रोटेक्ट कर रहा है किसको सॉल के कोग्युलेशन को प्रेसिपिटेशन को रोक रहा है क्यों रोकता है क्या होता है ऊपर देखो पैरा में प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड में When a lyophilic sol is added to the lyophobic sol the lyophilic sol particles form a layer around lyophobic particles जब हम किसी लाओफोबिक सॉल में लाओफिलिक सॉल मिलाते हैं तो लाओफिलिक सॉल के पार्टिकल्स लाइफोबिक सॉल के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं और उसको इलेक्ट्रोलाइट मिलाने पर प्रेसिपिटेशन को रोकते हैं इसलिए लायोफिलिक कोलाइड्स आर नॉन एज प्रोटेक्टिव कोलाइड लायोफिलिक कोलाइड्स को हम क्या बोलेंगे प्रोटेक्टिव कोलाइड अब कितना अमाउंट ऐड करें प्रोटेक्शन के लिए लायोफिलिक कोलाइड का उसको एक्सप्लेन करने के लिए जिगमोंडी ने एक टर्म दी जिसको हम कहते हैं गोल्ड नंबर नेक्स्ट पेज पर आते हैं गोल्ड नंबर क्या है ये देखते हैं okay. गोल्ड नंबर इज द अमाउंट ऑफ सॉल, लायोफिलिक सॉल का अमाउंट है किसमें इन मिलीग्राम रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट कोग्युलेशन ऑफ टेन मिलीलीटर गोल्ड सॉल जो टेन मिलीलीटर गोल्ड सॉल के कोगुलेशन को प्रिवेंट करता है बचाता है कब वन वन मिलीलीटर ऑफ टेन परसेंट एन ए सी एल सॉल्यूशन इज एडेड टू इट जब टेन मिलीलीटर गोल्ड सॉल में वन मिलीलीटर टेन परसेंट सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन मिलाते हैं तो उसके कोगुलेशन को रोकने के लिए जितना लायोफिलिक साल मिलाया मिलीग्राम में उसको हम क्या बोल रहे हैं गोल्ड नंबर गोल्ड नंबर इज द अमाउंट ऑफ लायोफिलिक साल इन मिलीग्राम विच रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ टेन मिली लीटर गोल्ड सॉल वैन वन मिलीलीटर ऑफ टेन परसेंट एन एस एल सोल्यूशन इज एडेड टू इट ओके गोल्ड सॉल्ट के कोगुलेशन को रोक रहा है किससे सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन मिलाने पर जो कोग्यशन होता उसको रोक दिया अब ये जो लाइफिलिक्स सॉल्ट का अमाउंट है मिलीग्राम में जितना कम होगा उतना ही प्रोटेक्टिव कोलाइड बेस्ट होगा तो गोल्ड नंबर क्या है मिलीग्राम में सॉल का अमाउंट है स्मॉलर द गोल्ड नंबर द हायर इज़ इट्स प्रोटेक्टिव एक्शन जितना कम प्रोटेक्टिव कोलाइड मिलाना पड़े और वो गोल्ड सॉल के प्रेसिपिटेशन को रोक दे तो हम बोलेंगे कि उतना ही अच्छा प्रोटेक्टिव कोलाइड है फॉर एग्जाम्पल गोल्ड नंबर ऑफ़ जिलेटिन इज़ ज़ीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव मिलीग्राम जिलेटिन का गोल्ड नंबर इतना कम है कि ज़ीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव मिलीग्राम ऐड करना पड़ेगा एंड स्टार्च का गोल्ड नंबर हाईएस्ट है कि ट्वेंटी मिलीग्राम ऐड करेंगे तब ये कोगुलेशन को रोकेगा इट मीन्स जिलेटिन इज़ बेस्ट प्रोटेक्टिव कोलाइड विच हैव लोअर द वैल्यू ऑफ गोल्ड नंबर ओके यहाँ हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ़ कोलाइडल सॉल्यूशन कंप्लीट होती है इसके बाद मैंने आपको दिया हुआ है एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइड ब्लू कलर ऑफ़ स्काई ब्लू कलर ऑफ सी वाटर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर फोटोग्राफी मेडिसिन इन सभी जगह पर हम अपनी डेली लाइफ में डिफरेंट कोलाइडल सॉल्यूशंस यूज़ करते हैं इसके अलावा भी और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं बट मिनिमम फ़ोर तो आपको लर्न होना ही चाहिए इसलिए ये फोर प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको दी है ओके okay, अब यहाँ पर हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ अब लास्ट टॉपिक पर आएंगे इस चैप्टर के इमल्शन इन आवर नेक्स्ट क्लास ओके थैंक